हेलो एंड वेलकम टू मान्या एजुकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स का आज हम लोग पार्ट टू देखने वाले हैं। हमारा ये जो लेसन है वो एमपीपीएससी 2020 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम स्पेशल है और हम लोग यूनिट कवर कर रहे हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट टू। पार्ट वन हम लोग देख चुके हैं, यदि आपने वो लेसन अभी तक नहीं देखा हो तो कृपया ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट टू। आज हम लोग जानेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सबसे पहले सेमीकंडक्टर के बारे में आप जानते होंगे, कंडक्टर वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर लेते हैं। तो जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है वो कंडक्टर हैं, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है वो इंसुलेटर हैं। उनके एक बीच की चीज भी होती है जिसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इनका जो है रेसिस्टेंस यानी बिजली के पास होने को रोकने की क्षमता जो है वो रेसिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो इनका रेसिस्टेंस जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है, यानी कि ये पूरी तरह से कंडक्टर भी नहीं है, पूरी तरह से इंसुलेटर भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्वाइट कॉमन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनका उपयोग होता है। इनका उपयोग क्यों होता है? अब सेमीकंडक्टर क्यों चाहिए? हम लोगों को ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिससे बिजली हमारे मुताबिक चले। ठीक है, जहां पर हम चाहें वहां कम कर दें, जहां हम चाहें वहां ज्यादा कर दें, जहां हम चाहें वहां रोक दें, इस तरह से हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और ये काम जो है वो सेमीकंडक्टर्स में हो सकता है। तो इसलिए सेमीकंडक्टर्स का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो कौन कौन से मटेरियल हैं? जर्मेनियम है, सेलेनियम है, सिलिकन है। सिलिकन तो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो सिलिकन का बना हुआ होता है, आपने सुना होगा कि चिप्स जो है वो जो कंप्यूटर में यूज़ होने वाले हैं वो सिलिकन के बने होते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो है वो सिलिकन होता है, इसलिए सेमीकंडक्टर्स का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। अब देखते हैं ट्रांसिस्टर क्या होता है ना। तो सेमीकंडक्टर हम समझ गए, ट्रांसिस्टर क्या होते हैं? एक सेमीकंडक्टर ही होते हैं जो कि एम्पलीफाई करने के काम आते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, या स्विच करने के काम आते हैं। स्विच करने का मतलब है कि उसको पाथ दिखा देना, उसको रूट बता देना कि कहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है, और कब रोकना है वो, ये भी स्विच जो है वो डिसाइड कर लेता है। या फिर एम्पलीफाई करना, जहां पे सिग्नल वीक हो उसको और बढ़ा देना। ठीक है, तो ट्रांसिस्टर देख लीजिए, फोटो देख लीजिए कैसा दिखता है ये ना। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपने हो सकता है देखा भी हो, यदि आपने मदरबोर्ड वगैरह देखा हो या फिर कोई सर्किट आपने देखा हो तो इस तरह के ट्रांसिस्टर्स जो है उसमें लगे होते हैं। ये भी सेमीकंडक्टर हैं। काम क्या होता है इनका? एम्पलीफाई करना और स्विच करना। अब रेसिस्टर्स देख लीजिए, रेसिस्टर्स ये आपने देखा होगा, अगर आपने देखा होगा कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह, कोई आपने खुला टीवी कंप्यूटर वगैरह कुछ देखा हो तो आपने ये देखा होगा रेसिस्टर। तो ये क्या होता है? टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। ठीक है ना, ये जो है वो टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट है। क्या करता है ये? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस पैदा करता है सर्किट में। ठीक है, तो रेसिस्टर है तो रेसिस्टेंस ही कर देगा, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस देने के लिए ये सर्किट में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? रेसिस्टर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस करंट फ्लो, एडजस्ट सिग्नल लेवल्स, टू डिवाइड वोल्टेजेस एक्सेट्रा। तीन प्रमुख काम होगा इसका। करंट फ्लो को कम करने के लिए, जैसे बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर्स हैं उसी तरह से कम करने के लिए रेसिस्टर्स हैं। तो रेसिस्टर्स क्या करते हैं? बिजली जो विद्युत का प्रवाह है उसको रोकने का काम करते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए और सिग्नल लेवल को एडजस्ट करने के लिए, कहीं ज़्यादा या कम सिग्नल हो तो उसको एडजस्ट करने के लिए, ताकि जिस ऑब्जेक्ट में जितना सिग्नल देना है उतना ही जाए। और फिर तीसरा है जो वोल्टेज जो है वो डिवाइड करने के लिए, हाई वोल्टेज को अलग अलग जगह डिवाइड करने के लिए, इस तरह से इसका काम आता है। तो रेसिस्टर जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का। यहाँ पर हम लोगों को ओम्स लॉ जानना बहुत ही जरूरी है कि ओम्स लॉ है क्या। ओम्स लॉ जो है वो कहता है कि करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट्स। ओम ने कहा है, ओम का लॉ कहता है कि दो पॉइंट्स के बीच में जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा उनके बीच में करंट पास होगा। ठीक है, दो कंडक्टर्स के बीच में जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट पास होगा। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये जो है वो ओम का लॉ है।
अब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। इसका मतलब ये होता है कि रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम होगा, ठीक है। V जो है वो I, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब वोल्टेज ज्यादा तो करंट ज्यादा, लेकिन I और R ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस ज्यादा तो विद्युत प्रवाह कम होगा। तो ये ओम्स लॉ है, ये भी जानना यहां पर आवश्यक था। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स की ओर आते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपने इस पूरे यूनिट में दूसरी बार सुना होगा, पहली बार आपने जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देख रहे थे हम, तब आपने देखा होगा। तो जनरेशन जो है वो कंप्यूटर के बने हैं सर्किट्स के हिसाब से। पहला जो जनरेशन था उसमें सर्किट यूज होता था, सर्किट जो है वो बना होता था वैक्यूम ट्यूब का। दूसरा जो था उसमें सेमीकंडक्टर्स का यूज हुआ। तीसरा जो है वहां पे थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे आया और इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर भी सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट जो है एक वो एडवांस तरीका है सर्किट्स बनाने का। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल तीसरी पीढ़ी से कंप्यूटर में हो गया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईसी भी कहा जा सकता है, एक स्मॉल चिप होता है जो कि एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, टाइमर, माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर मेमोरी की तरह यूज किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का आईसी होता है, और ये देखिए मदरबोर्ड में ये लगा हुआ, ठीक है। एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, टाइमर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर भी आपने सुना होगा ना। माइक्रो प्रोसेसर एक और एडवांस टेक्नोलॉजी है जहाँ पे प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ही फास्ट है और बहुत ही इफेक्टिव एक्यूरेट प्रोसेसिंग होती है। तो ये हमारे चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ था कंप्यूटर की चौथी जनरेशन में, ठीक है। ये जो आईसीज हैं ये कंप्यूटर मेमोरी की तरह भी यूज की जा सकती हैं। आईसी जो होता है सिलिकन का होता है, सिलिकन क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, दैट कैन होल्ड एनीवेयर फ्रॉम हंड्रेड्स टू मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, रेसिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं इनके अंदर आप सैकड़ों ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर और कैपेसिटर लगा के और इसको बना सकते हैं एक पूरा का पूरा सर्किट, है ना। तो आईसी जो है वो एक बहुत ही छोटे साइज का सर्किट जो है वो बना देता है, और इसी वजह से आईसी के आने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस था वो बहुत छोटे छोटे हो गए। इंटीग्रेटेड सर्किट भी कई प्रकार के हैं। कौन कौन से प्रकार के हैं, एक होता है एसएसआई जिसमें 3 से 30 गेट्स हो जाते हैं, एक होता है एमएसआई जिसमें 30 से 300 गेट्स हो जाते हैं। ये कौन से गेट है, ये लॉजिक गेट की बात कर रहा हूं मैं ना, लॉजिक गेट के बारे में हम लोग जानेंगे अगले पार्ट में। LSI होता है जिसमें 300 से 3000 गेट्स हो जाते हैं, और एक होता है VLSI। VLSI जो है वो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है इंटीग्रेटेड चिप्स में। ये जो है इसमें 3000 से ज़्यादा गेट्स जो है एक चिप के अंदर लग जाते हैं, और इस वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो काफ़ी छोटे बन जाते हैं। अब देखिए जो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे पहले, फिर वो और छोटे बने, लैपटॉप बने, फिर लैपटॉप्स भी और छोटे हो गए, फिर टैबलेट्स बन गए, फिर मोबाइल के साइज़ के हो गए, फिर तो हैंडहेल्ड डिवाइसेस बन गए। ये छोटे क्यों होते जा रहे हैं, VLSI के इस्तेमाल से। VLSI का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और जो साइज़ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का वो छोटा होता जाएगा। कैपेसिटर्स देख लेते हैं, हमारे सर्किट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो सेव करके रखी जाती है। आपने देखा होगा घरेलू पंखे वंखे में कैपेसिटर लगे रहते हैं, इसीलिए कभी भी पंखा बनाते वक्त जब आप चढ़ेंगे पंखा बनाने तो आपको कोई बोलेगा कि उसको कैपेसिटर को ऐसे मत छूना, उसमें बिजली होती है। पंखा बंद करने के बाद भी उसमें बिजली होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो स्टोर करके रखी गई है, ठीक है। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इट इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विथ टू टर्मिनल्स, में दो टर्मिनल है ना, ये दो टर्मिनल। द इफेक्ट ऑफ अ कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जो है वो क्या होता है, कैपेसिटर द्वारा पैदा किया गया इफेक्ट। तो फिर बेसिकली काम क्या है कैपेसिटर का, ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखे और बैकअप देता रहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। तो इट्स फंक्शन इज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड गिव इट्स एनर्जी अगेन टू द सर्किट व्हेन नेसेसरी। तो जब भी सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होगी तो ये उसे वापस
उस एनर्जी को दे देता है. तो सॉर्ट ऑफ अ बैकअप बना के ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रखता है. इट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ डीसी एंड परमिट्स द फ्लो ऑफ एसी. घरेलू जो बिजली होती है वो कौन सी होती है, अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, है ना. अब पंखे में जैसे मैंने उदाहरण दिया था कैपेसिटर का, तो पंखे में एसी का इस्तेमाल होता है अल्टरनेटिंग करंट का. यदि उसमें आप डीसी डालेंगे, डीसी से पंखा चलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा. तो कैपेसिटर यदि लगा होगा तो क्या काम करेगा, फ्लो डीसी के फ्लो को रोक देगा, ठीक है. और यदि एसी चलाएंगे तो एसी को परमिट करेगा. तो जो इसका एक और काम हो गया कैपेसिटर का कि डीसी करंट को रोककर और एसी करंट को परमिट कर देता है. इंडक्टर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है. इंडक्टर क्या होता है ना, ये इंडक्टर भी हमारे, ये फोटो आपने देखा होगा, इंडक्टर आपने सर्किट में कभी लगा हुआ, मदरबोर्ड वगैरह आपने देखा हो, या फिर कोई ऐसा स्टेबलाइजर वगैरह कभी खुला देखा हो तो आप उसमें इंडक्टर देख सकते हैं. तो इंडक्टर क्या है, इसे कॉइल भी बोल सकते हैं, चोक बोल सकते हैं, रिएक्टर बोल सकते हैं, ठीक है ना. नॉर्मली इसको कॉइल बोलते हैं लोग. एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट है. देखिए इसमें दो टर्मिनल है ना, एक ये टर्मिनल एक ये टर्मिनल, ठीक है. टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट है दैट स्टोर्स एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज थ्रू इट, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके और जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो इसमें एनर्जी स्टोर होके रहती है. एन इंडक्टर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड वायर वूंड इन टू अ कॉइल अराउंड अ कोर. ये इस तरह से इंसुलेटेड वायर को कॉइल के रूप में मोड़ा गया है और ये क्या काम करता है, एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में जब आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो ये करंट को स्टोर करके रखता है, ठीक है. इंडक्टर का काम ये होता है. तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा पार्ट आज इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट किया है. मेरे ख्याल से आपको सारी कुछ समझ में आ गए होंगे जो जो चीज़ें आज हम लोगों ने देखा है. यदि आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आई हों, आप कोई बात करना चाहते हो, कोई फीडबैक देना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर. अगले पार्ट में एक बार फिर से मुलाकात होगी. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. नमस्कार.